अस्सलामुअलैकुम, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समां, देखती हूँ जहाँ। और वाकई में जहाँ देखती हूँ पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और क्यों ना मनाई जाए, क्योंकि कल पाकिस्तान ने नॉन स्टॉप जो है वो छक्के चौके मार के लोगों के छक्के छुड़ा दिए, स्काउट लाइन को हरा दिया और पाकिस्तान ने विन कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेट पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से, वेनस टीवी की तरफ से, गुड मॉर्निंग विद सभी के शो की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीन करें मैं इतना एंजॉय कर रही थी और मेरे में पूरा पाकिस्तान जो है वो ऐसे दुआएं कर रहा था, और ये दुआएं हैं जो इंसान को सफल कर देती हैं, और इसमें कोई शक नहीं, दुआओं के साथ साथ उन्होंने एफर्ट बहुत किया हमारी टीम ने। और मैं अगर सबके नाम लूंगी तो मैं नहीं चाहती किसी भी, क्योंकि टीम जो है वो पूरी एक यूनिटी है, और यूनिटी में ही बरकत है, इत्तफाक में बरकत है, और उन्होंने जो है वो जीत के दिखाया। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तानी टीम को, उनके तमाम जो एफर्ट उन्होंने किए हैं। बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान का जो है झंडा सरबुलंद होता है और लोगों के दिलों के मुंह मिलते हैं जो ये लोग जीत जीत के, इस वक्त क्या हाल हो रहा था लोगों का मुझे मालूम है। और बस हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें। जब उन्होंने मौका मौका कहा था तो देखिए ना, किसी को जब मौका मिलता है तो वो कैसे ठोकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो है इस वक्त माशाल्लाह छक्के छुड़ा दिए हैं, चौके उड़ा दिए हैं और गिलियां उड़ा दी हैं, और शाहीन आफरीदी, और क्या बात कहूं मैं तो, शहनशाह कहूंगी उन्हें, कि जो जब जो भी बॉल करवाते हैं ना, रियली मैं एक बात बताऊं, उनकी हर बॉल में एक ही बात होती है, एक ही बात मैंने देखी है कि वो किसी तरह भी उनकी कोशिश होती है कि मैं से इसके विकेट उड़ा दूं या मैं मेरे इस बॉल से ये कैच दे दे, और हर बॉल में उसका स्टेमिना होता है। तो यही हमें चाहिए, और हमारी बेनतार दुआएं आप लोगों के लिए। और ये तो चलो गैर बात, जो संडे गुजरा और सैटरडे गुजरा, ये दो दिन की छुट्टियों के बाद हम आपके साथ फिर ज्वाइन हो गए हैं, और फ्रेश मंडे है और खुशियों भरा मंडे है। और मेरी दुआ है गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। और अब मैं बात करूंगी, थोड़ा बैठ जाऊं तो फिर आपसे मेरे ख्याल में फिर बात हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, हमारा जो है फ्रेश मंडे है, और पीर को जो है हमारे बहुत सारे हमारी जो सेगमेंट्स तो आप लोग हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में देखते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे सेगमेंट्स लाऊं, जिस तरह हेल्थ सेगमेंट है जिसमें आपको अवेयरनेस हो, और अभी मौसम भी जो है वो जरा सा चेंज हो गया है, एलर्जी हो गई है, जरा जरा बात पे लोगों को बीमारियां होने लग गई हैं, और स्किन डैमेज होने लग गई है, और बाल खराब हो गए हैं, और क्रैक्स वगैरह जो है एड़ियों पर बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये मसले मसाइल भी चल रहे। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने डिफरेंट सेगमेंट, और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, और मैं इसलिए करूँ क्योंकि फ्रेश मंडे मुझे बहुत सारे जो है दो दिन की छुट्टियों में, क्योंकि वीकेंड होता है डिफरेंट, हम लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं घर में, और हम लोग वो बड़ी मतलब इट्स मीन के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कपड़े धोने और जो है उनको आयरन करना और फिर सब्जियां लाना, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। मैं कहती हूँ अरे बाबा सलाम है हमारी खवातीन को, रेली अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना, स्कूल लेके जाना, स्कूल की यूनिफॉर्म वॉश करना। कल मैं अपने सामने वाले जो है वो भाभी मुझे कैसी हो, मैंने कहा ठीक हो, थोड़ा सा मुझे क्या हो गया पता नहीं, क्या खा लिया मुझे नहीं मालूम, एक तो मौसम चेंज है तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, तो कह रही ठीक हो, मैंने कहा ओके, मैंने ऑयलिंग वॉलिंग की हुई थी सर पे, तो मेरा कह रही सामने हुई हो तो अजीब ही मासी लग रही थी, मैंने कहा यार क्या हो गया मुझे, तो कह रही क्या हो गया, मैंने कहा नहीं नहीं ओके है, जरा सा रेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने उनको देखा, उनकी मिस्टर एंड मिसेस जो है ना वो गाड़ी धो रहे हैं, वो खड़ी हुई हैं, वो कपड़े धो रही थी, तो मैं कह रही यार ये फैमिली जो होती है ना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और मैं एक आज मैसेज ये देना चाहती हूँ, वैसे तो मैंने आपसे मुबारकबाद तो शेयर कर दी, लेकिन प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें अपनी फैमिली से शेयर कर। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मदर, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर, इनके साथ थोड़ी छोटी शेयर किया करें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके दो दिन भी, क्योंकि आप डेली तो बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक, ये मसला वो मसला बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा टाइम उनके लिए स्पेंड कर दें तो हेलो
अच्छा जी, अब मैं बात करूंगी थोड़ा डिफरेंट जगहों पे देखना पड़ता है, आप लोग यहाँ से भी देख रही है, आवाम वहां से भी देख रही है, तो सारी आवाम के साथ बात हो रही है। मेरी तमाम व्यूवर्स जो है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि आप लोगों के मुझे मैसेजेस आए, तो मैं एक बार रिपीट करना चाह रही हूँ कि हमारे प्रोग्राम में जो हिस्सा बनना चाहते हैं लोग, तो गुड मॉर्निंग सभी का, अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरे शो में आना चाहते हैं, अगर आप टैलेंटेड एंड डिजर्विंग है, अगर आप ब्यूटिशियन है, अगर आप स्किल्स के ऊपर आपका कुछ होना रहे, चाहे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हो या यूथ हो, वो भी मेरे शो में आ सकते हैं, या आपके खास कुछ ऐसा काम जो आप चाहते हैं मैं अपने तमाम लोगों के साथ शेयर करूं, तो देन आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 03442069902 पे, और PTCF भी चल रहा है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत जो है ईमेल्स, और जो मैं कहूंगी मुझे फेसबुक पर जो है मेरा सभी के नाम से फेसबुक है, वहां पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं सभी के ऊपर, तो बिल्कुल आप लोग मुझसे शेयर करें। मुझे खवातीन बहुत ज्यादा अप्रोच कर रही हैं, तो आप हमारे से बहुत दूर नहीं है, और दूरी सिर्फ ये कॉन्टेक्ट नंबर है और कुछ भी नहीं है। देन यू कैन ज्वाइन विद अस बिकॉज गुड मॉर्निंग विद सभी फॉर यू, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, या मेरे गेस्ट उन लोगों तक बात पहुंचाएं जो डीमोटिवेट हो गए हैं, या जो लोग अभी ये समझते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तो यू कैन डू एवरीथिंग बिकॉज यू आर पाकिस्तानी, एंड आप अपने अंदर जो है वो प्लीज थोड़ा सा स्पार्क रखें और उन लोगों से सीखें जिन लोगों के पास बहुत सारी चीजें नहीं है। सोच रही हूँ कि वो कौन सी चीजें, नो वे, पैसा नहीं, आंखें नहीं, हाथ नहीं, जबान नहीं, तो उन लोगों से सीखें और फिर सूरज की तरह तुलू हो, जिस तरह गुड मॉर्निंग विद सभी तुलू होता है। चले जी, ये बात हो गई आपके मैसेज की, और अब हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे क्योंकि एक हेल्थ सेगमेंट है और बहुत ही जबरदस्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर्बलिस्ट मौजूद हैं, और अगर आपने अपने स्किन से रेलिवेंट, अपने हेयर से रेलिवेंट, या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है जो एलर्जी आपको क्रिएट कर रही है, नजला जुकाम या जो भी, तो जरूर आप हमें कॉल करें या लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हमने छोटी सी ली थी ब्रेक, और अभी है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि सीजन हो गया चेंज, थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है, थोड़ा आपने देखो कि हल्का सा ठंडा खुमार है, दोपहर को जरा गर्मी हो रही है, रात को थोड़ा सा ठंड से हो रही है, कुछ लोगों ने अपने ब्लैंकेट्स भी और शॉल्स वगैरह जैसे चादर है वो भी ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन फैन भी चला रहे हैं, और पानी जब ठंडा, आप जब वेदर चेंज होता है तो आप ठंडा पानी पीते हैं तो ऑफकोर्स आपका गला जल्दी खराब हो जाता है, फिर आपके सबसे ज्यादा आपको जो एक्सटर्नल, इंटरनल तो आप थोड़ा मैनेज करते हो, एक्सटर्नल जो है ना वो आपका वेदर बहुत इफेक्टिव होता है, लाइक आपके बाल जो है रफ होने शुरू हो गए क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, फिर आप जो है आपकी स्किन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है, एलर्जी बढ़ जाती है, जरा जरा बात पे आपको छींके आने लग जाती हैं, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा मिल मिलाप के, जैसे कहते हैं क्योंकि रेलेवेंट टू आपके भी हमारे दरमियान कुछ व्यूवर्स हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं, देन यू कॉल विद अस, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग ये डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब मैं जो पर्सन मौजूद है वो ऑफकोर्स बहुत नॉलेजेबल है, तो वो ही बताएंगे कि हम कैसे अपने आप को, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें होती हैं हमें नहीं मालूम होता, तो वो बताएंगे कि कैसे सभी हम इसको अपने आप को सेव कर सकते हैं बिफोर, कि इससे पहले कि हम प्रॉब्लम्स में आ जाए तो हम इससे पहले सेव करें। हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर और माशाल्लाह बेहतरीन जो है वर्किंग कर रही हैं अपने सैलून में, अपने जो है उनका क्लिनिक है, लाइक इसमें ये कहूँगी इंस्टीट्यूट है, और डिफरेंट वर्किंग भी करती है, डिफरेंट चैनल्स पे भी जाती है, लोगों को अवेयर करती है, बहुत ही सीनियर रानी आपा हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं? ऐसा है कि नहीं आजकल? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ आपने कहा बिल्कुल सही है, मौसम बदल गया है, हालांकि नवंबर का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ सबसे कम ठंड आई है, इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में तो बर्फ भी पड़ने लगी है, और मौसम के तब्दील होते ही बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हल्की सी खुनकी है, दोपहर में गर्मी है, लेकिन शाम में फिर दोबारा से खुनकी का आगाज है, इस बदलते मौसम में
बड़े तो इससे मुतासिर होते ही हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं. और तमाम बच्चों की नाक आजकल बहने लगी है, नसला है, जुकाम है, आंखों से पानी बह रहा है, सीने पे कंजेशन है. और बच्चे पैदल बगैर शूज और बगैर सॉक्स के चलने से बाज नहीं आते. आप कितना भी उन्हें रोक लें, लेकिन बच्चे के अल्लाह ताला ने नेचर ऐसी बनाई है, इस वजह से ठंड का शिकार हो जाते हैं. और फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का नसला, जुकाम, खांसी जो है वो एलर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो यानी दवाएं लेने के बावजूद बच्चा संभल नहीं पा रहा होता. तो उस वक्त में ज़रूरत होती है कि उस वक्त यकीन होता है कि ये जो इसका नज़ला ज़्यादातर एलर्जी की वजह से होता है. और एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक क्यों नहीं पता चला कि वो कहाँ से आ रही है, किस वजह से है, किस चीज से आपको हो रही है, मौसम से है, खाने की किसी चीज से है, पीने की किसी चीज से, या पहनने की किसी चीज से है. तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह नजला, जुकाम, खांसी से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं. और एलर्जी अगर है, और एलर्जी की वजह से बाज़ औक़ात जख्म भी हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक, खारिश हो जाती है, उस सब के लिए भी मैं इलाज बताऊंगी. और इंशाल्लाह ताला आप लोग हमारे साथ रहें, और जो भी इलाज बताऊंगी इंशाल्लाह बहुत ही करामत होगा और सबके लिए बहुत फायदेमंद. क्या बात है. अच्छा, बहुत अच्छी बात की. देखिए, ये सीनियर होने के निशाने की, उन्होंने कहा कि एलर्जी का अभी तक डायग्नोस नहीं, क्योंकि ये इसका कुछ इसमें के ना कंप्लीट इलाज नहीं है, चाहे किसी को अस्थमा या एलर्जी से कुछ भी है, पेट्रोल से बदबू है या कुछ भी है, इसका अभी तक नहीं हुआ कि भाई ये जैसे बहुत सारी बीमारियां जिसका हमने डायग्नोस कर चुके हैं या हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन है लाइक इस दवाई से आराम है, लेकिन अभी तक जो है ना एलर्जी का नहीं. और ये समझ ले बहुत सदियों पुरानी बीमारी है. अच्छा जी, हमारे दरमियान एक और भी पर्सन मौजूद है, ही इज अ हर्बलिस्ट और बेहतरीन वर्किंग कर रही है. डिफरेंट मैं इनको इवेंट्स में देखती हूँ जाते हुए, खवातीन में बहुत इंट्रैक्शन है, खवातीन से बहुत ज्यादा इनकी जो कोऑर्डिनेशन है, और अपने क्लिनिक को भी रन कर रही है. तो इस वक्त हुमैरा नाज जो है हर्बलिस्ट मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डिफरेंट चैनल्स को भी नहीं इन्होंने छोड़ा बहन, बस क्या करूं मैं. और किसी को नहीं छोड़ा है. क्या बात, लेकिन अच्छी बात है. इतना टाइम हो गया आप लोगों को भी, इतना टाइम हो गया हम लोगों की कोऑर्डिनेशन को, मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. अब चैनल्स पे आना तो खैर ये तो एक साइड में काम चल रहा है, लेकिन हमें, हम वो लोग हैं अरानी आपा जैसे लोग हो गए, हमसे रिलेटेड और भी डॉक्टर्स हैं, हमें करनी है खिदमत लोगों की. और इस खिदमत में चाहे आपकी फील्ड, मैं कहती हूँ जो आपकी फील्ड है ना उसमें रहते हुए आप किसके लिए क्या कर सकते हो वो कीजिए. अब हम लोगों ने इतनी मेहनत करके लोगों के इलाज जो है, हम कुछ हमारी पेटेंट मेडिसिन भी हैं, तो हम इलाज लेकर आते हैं कि हमें हत्तुल इम्कान कोशिश होती है हमारी कि जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं उनका वो इलाज हम अपनी फील्ड में रहते हुए करें. आसान इलाज, बहुत मुश्किल ना हो, आसान हो. तो अब जैसे आप, आज एलर्जी का टॉपिक है, और ये मैं बता दूं कि अभी थोड़े दिन के अंदर पोलन जो है वो यहाँ पे काफ़ी आ जाएगी, क्योंकि सर्दियों का जब मौसम शुरू होता है, जब खिजा का जो पत्ते गिर रहे होते हैं, तो उसी में आपका पोलन एलर्जी स्टार्ट हो जाती है. और ये जब आपके ऊपर हावी होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम बड़ा लो होता है, तो सबसे पहले आपने अपने इम्यून को फास्ट करना होता है. और हमारे यहाँ जहाँ देखो बच्चों को खासतौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू करवा देते हैं, ज़रा सी एलर्जी स्टार्ट नहीं होती, गले खराब नहीं होते, बड़ों का भी यही हाल है. डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप तो सबसे पहले एक एंटीबायोटिक लिख दी जाती है. यही नहीं पता बच्चे को सूट भी करेगा कि नहीं. सूट तो चलो खैर एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं पता. देखें जब हम उसकी आदि बना देते हैं ना एंटीबायोटिक के, तो वो फिर आपके अंदर इम्यून आपका स्लो 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 होता चला जाता है. फिर जो भी बीमारी आएगी वो सबसे पहले अटैक करेगी, फिर आदि मुजरिम बन जाते. बिल्कुल, बीमारी के आदि मुजरिम बन जाते. बच्चे के जहन में भी यही होता है, हमारे जहन में अभी कौन इतना वो करे. मैंने ये देखा है लोगों को कि जैसे अगर हम अपने बच्चे के लिए ये वाली दवाई लाए थे, वो फोन करके हमने, मैंने ये लिया था, डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया था, आप भी यही दवाई इस्तेमाल कर लें. कभी भी डॉक्टर के मशवरे के, किसी का भी, चाहे वो हमसे हो, डॉक्टर से हो, मशवरे के बगैर दवाई. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? मैं ठीक हूँ. क्या पूछ रहे हैं? प्रोग्राम चल रहा है आपका, बहुत मजा आ रहा है देखने के इसके लिए, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं. और मैंने कहा मैम से, मैं पूछना चाह रही थी कि एरिया का जो है ना अक्सर प्रॉब्लम होता है, सर्दी में एरिया फट रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? किंजा फ्रॉम मलीर जी. क्या बात है भाई, यानी कि प्रोग्राम वॉच किया जा रहा है. अच्छा, एरिया पट जाते, यू आर अ ब्यूटीशियन आई नो, तुम्हारी आवाज में पहचान गई, तुमने मलीर से कॉल किया, ऐसा है कि नहीं है?
लेकिन पहचान लेते हैं दैट्स गुड। और ये मुझे कह रही थी मेरा आपका जी विनस टीवी यहाँ पर आ रहा है और इन्होंने प्रोग्राम देख रही है, थैंक यू सो मच किंजा। अच्छा जी आप भी बताइए, आपका पटना एक बहुत ही आम सी बात है और हमारे यहाँ खवातीन कि जब एड़ियां पड़ती हैं तो आप यकीन करें जब वो किसी महफिल में जाती हैं, अब बहुत खूबसूरत उन्होंने शूज वेयर किए हुए होते हैं लेकिन जब वो चलती हैं बहुत गहराई में बात कर रही हैं। देखिए जब हम अपने चेहरे का, अपने हाथ पांव का, अपने कपड़ों का, अपने बालों का इतना ख्याल कर रखते हैं तो पैरों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है, और पैर भी उस वक्त नजर में आते हैं जब एड़ियां फटके उसमें से खून रिसने लगता है, बिल्कुल तब खवातीन उस तरफ मुतवज्जे होती है। और देखिए किसी भी स्किन का जो फटना है वो अपने जहन में हमेशा आप इसको महफूज कर लीजिए कि स्किन का जो फटना है किसी भी तरह की, हाथ की, पांव की, एड़ियों की, चेहरे की, उसकी वजह होती है विटामिन ई की कमी का हो जाना। यानी हमारी बॉडी में जब विटामिन ई की कमी होती है तो उसकी स्किन कहीं से भी फटना शुरू हो जाती है। पांव के लिए मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सादा इलाज है, वो ये है कि जिसके भी पांव की एड़ियां फट गई हैं, आपकी हैं, आपके हस्बैंड की हैं, आपके बच्चों की हैं, किसी भी टब में गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी डालने के बाद उसमें आपके घर में जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने पांव को उसमें डिप कर लें। डिप करने के बाद किसी झावे से, किसी ब्रश से, किसी भी स्क्रबर से अपने पैरों को अच्छी तरह साफ करें, बिल्कुल अच्छी तरह। मैल तो उसकी वैसे निकल जाएगी लेकिन रबिंग करें ताकि डेड स्किन निकले, और उसके बाद उसके अंदर आप उबला हुआ शलजम, सरसों का तेल और दो तीन विटामिन ई के कैप्सूल्स उसमें ऐड करके उन नर्म और गीले पैरों पर उसका मसाज करें। मसाज करने के बाद जो आपके पास ये पेस्ट बना हुआ है कि एड़ियों में अच्छी तरह फिल कर दें, ऐसे कर करके फिल कर दें। फिल करने के बाद ऊपर से कॉटन के सॉक्स पहन लीजिए, और अगर आपने दिन में किया तो दिन भर पहने रखें, रात को किया तो रात भर कॉटन के सॉक्स पहने का, क्योंकि ये नायलॉन के सॉक्स पहनने से दिमाग पे गर्मी लगती है, दिल घबराने लगता है। आप फौरी तौर पर कॉटन के सॉक्स पहने और पहने रखे, रोजाना ये अमल करें, विद इन थ्री डेज इंशाल्लाह ताला आपकी एड़ियां जुड़ना शुरू हो जाएंगी और जो डेड स्किन है वो निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अमल रोजाना करना, बेशक बेशक बहुत ये बहुत अच्छी इन्होंने होम रेमेडी बताई। हमारे घर में कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से जी? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से जी। रुबीना क्या पूछना है जी? मुझे पूछना है कि मैं जो हूँ सर्दियों का मौसम आ चुका है और मैं जब भी जो हूँ मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन से मतलब कि वो स्क्रैचेस आ जाते हैं और मेकअप में थोड़ी देर स्टे करता है और जो है मुझे स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक, चलो रुबीना हम आपको इसका आंसर देते हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा मेरे ये अभी हम लोग जाहिर सी बात हेल्थ सेगमेंट है, कोशिश करते हैं हम इसका भी बताएं आपको। एक बार आपने मुझे बताया था कि मैं जैसे इवेंट करती हूँ बहुत थक जाती हूँ, और या सैलून में भी लड़कियां इतनी इतनी देर खड़ी रहती हैं, या जो लोग आयरन कर रहे होते हैं जब हम लोग कपड़े ड्राई क्लीन में, वो लोग भी बेचारे खड़े रहते हैं, थकावट से हमारे पूरे पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन्होंने क्रैक की बात के बाद जहन में आया, एक बार आपने मुझे बताया तो यकीन करें मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत थक गई तो मैंने इनको कॉल कर दी, तो इन्होंने कहा कि सभी क्या करो, नीम गर्म पानी करो, उसमें नमक डालो और में डिबो और यकीन करो वो जो ब्लड सर्कुलेट, क्योंकि वो सारा ब्लड हम इतनी देर खड़े रहेंगे तो ऑफकोर्स नीचे, जब वो वार्म हुआ ना मेरा थोड़ा नीम गर्म से और मैंने नमक भी डाल दिया, यकीन करें वो थोड़ा वार्म हुआ ना तो मेरे पाँव में वो जो ठकोर सी होने लगी थी रियली, वो बहुत अच्छी ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है आपकी, मूवमेंट में आ जाता है, और फिर ये कि स्वेलिंग जिन लोगों को ज्यादातर पैरों पे होती है उसके लिए बेस्ट टिप है ये। और पैरों के लिए मैं खास तौर पे कहूंगी कि ये जो दर्द हमारे पैरों में या ये जो हमारी ये वाला हिस्सा होता है ना इधर बहुत दर्द होता है, तो ये इसलिए होता है हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अच्छा। अब आप देखें हम गर्मियों में तो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन आपने पानी का बताने कॉलर है ये ना, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से सिस्टर? मैं बात कर रही हूँ पीबीआई से। मैम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी, थैंक यू सो मच। और ये जो हर्बलिस्ट टाइम है रानिया का, मुझे इनसे भी बात करनी है, ये भी बहुत अच्छी है और हम लोगों की मतलब फौरन कॉल मिल जाती है, हम मिलाते हैं वरना और मॉर्निंग शो में मिलाते रहे मिलती नहीं है। चलो पूछ लो सवाल, पूछो मैम अब जल्दी से। रानिया से ये पूछना था कि जैसे सर्दियाँ शुरू होती है और फौरन जो है ना खुश्की सर में आ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
चल थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल हम आप आंसर देंगे। पहले पहले सर जो ब्यूटिशियन किया था मैंने, वो मैं चाहूंगी कि जो लोग करें थे जैसे क्रैक्स मेकओवर से पहले, तो माशाल्लाह आपको भी तो क्या ऐसा कुछ स्किन के लिए? सबसे पहले तो विटामिन सी के सीरम्स मिलते हैं, वो आपने फेस पे लगाना होता है, 2-3 ड्रॉप्स लेके फेस पे लगा लें, मर्ज कर लें, उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट कीजिए। और अगर सीरम नहीं है तो अभी आपके पास ऑरेंज बहुत आएगा, ऑरेंज का छिलका पील करके आप उसको पहले सुखा लें अच्छी तरह और उसको पाउडर बना के रख लीजिए पूरे साल के लिए, उसको फेंके नहीं। आपका वो छिलका आपका विटामिन सी सीरम का काम करेगा। आप उसको आप चाहें तो वैसे ही उपटन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, उसको चाहें तो रोज वाटर में ऐड करके उसका सीरम बना सकते हैं। तो ये ऑरेंज का छिलका आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होगा, आप उसका इस्तेमाल सर्दियों में जरूर करें। स्किन इसलिए खराब होती है कि हम सर्दियों में, एक तो अभी जो इन्होंने कहा बालों के लिए भी, गर्म पानी को अवॉइड कीजिए सर पे और चेहरे पे, ताकि ये आपकी ड्राइनेस ना आए। जितना आप गर्म पानी अवॉइड करेंगे आपकी स्किन देखिएगा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठंडे पानी से चेहरे को धोएं, और जितना भी ऑयल वाली चीजें, नट्स का इस्तेमाल हम इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर ऑयल्स होता है कुदरती, तो वो हम बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद मॉइस्चर होना शुरू हो जाती है। के ओरिजिनल विटामिन ई बिल्कुल उन दवाइयों से बेहतर है जो आपने 10 साल अपने ऊपर अगर नहीं अभी कुछ नट्स खाए थोड़े बहुत, अरे मूंगफली खा लो खुदा से सही है क्या सस्ती हो, मैं मुझे पता नहीं अब इतने भी नहीं महंगी कि आप कम से कम अगर दवाइयों से तो बेहतर है, दवाइयों से तो 10-10 हज़ार की जो मेडिसिन खाएंगे ना उससे बहुत बेहतर है। चलिए जी मैं आपा की तरफ चलती हूँ। आपा उन्होंने क्वेश्चन किया था, भूलते किसी को भी नहीं है जी, बाल ड्राई हो रहे हैं जैसे की स्किन ड्राई हो जाती है, इस तरह बाल लाख खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है, बाल तेजी के साथ झड़ने लगते हैं। जब खिजा का मौसम तमाम चीजों पे आ जाता है, दरख्तों पर आ जाता है, तो इस दरख्त पर इस झाड़ पे आ जाता है और इससे भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों के आते ही ड्राइनेस खुश्की आ जाती है और हमारे स्कैल्प पर भी खुश्की आ जाती है, और वो खुश्की हमारे स्कैल्प के जो पोर्स हैं जिनसे हमारा स्कैल्प सांस ले रहा है, बिल्कुल वो बंद कर देते, हमारे ताकतवर हो रहे हैं वो बंद हो जाता है, उस पर खुश्की के लेयर्स आ जाते हैं। और जब किसी भी चीज पर आप ढक्कन लगा देते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन का सिलसिला रुक जाता है। आप वो जुबान में बोले ना पपड़ियां सी आ जाती हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो जरूर बात है बिल्कुल लेकिन अजीब सी हो जाती है भाई, खुरचन हम जैसे कहते पता नहीं क्या, और स्किन के ऊपर भी होता जी बिल्कुल। जैसे हुमैरा ने कहा कि सर्दियों के में आप गर्म पानी का इस्तेमाल चेहरे के लिए और बालों के लिए बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आप जितनी बार भी अपना सर धोए ठंडे पानी के साथ धोए और आप गर्म तेल का मसाज करें। देखो जरा गर्म तेल कोई भी तेल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे गर्म कर ले और उसके अंदर एक 3-4 इंच का एलोवेरा ले ले, एलोवेरा के अंदर तेल को ब्लेंड कर ले ओके ठीक है, और इस ब्लेंड वाले तेल को नीम गरम करके अपने सर की जड़ों में लगाए, लगाने के बाद उसका मसाज करके जज्ब करें और 10 मिनट के लिए उसके ऊपर गरम पानी के में भिगो कर तौलिए को लपेट ले ताकि आपके जो पोर्स हैं वो खुलने लगे और उसके बाद नेल्स के साथ उसकी इचिंग करें और उसके बाद सादे पानी के साथ 2 घंटे के बाद सर धोए ठंडे पानी से, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ एक खुश्की खत्म होगी बल्कि आपकी खुश्की खत्म होने के साथ साथ आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे और जो झड़ चुके हैं उसकी उसके बदले नए बाल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा आप और जैसे उमेर नाज है और बेशक इनकी क्लिनिक्स हैं सलोन्स हैं जो भी इनकी वर्किंग है, लेकिन वो कोशिश ये करें दोनों की आप लोगों को जो आप खुद से अगर कुछ केयर करें तो अच्छी बात है, लेकिन जब बहुत ज्यादा आप ये तो छोटी मोटी होम रेमेडीज है लेकिन अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो गए हैं आपके कंट्रोल से बाहर वो डिजीज हो गई है और वो आपकी स्किन को मजीद डैमेज करी है, ऑफ कोर्स फिर आप लोगों को जो है हेल्थ कंसल्टेंट या जो भी आप स्किन स्पेशलिस्ट या हर्बलिस्ट जैसे आप आए हैं हमारे नाज है फिर इनके पास जाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जब आप लोग नहीं केयर करते और वो बढ़ जाती है तो फिर आपको ऑफ कोर्स किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए जितनी भी होम रेमेडीज हैं चैनल्स पे हैं कहीं पर भी उसको सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम है जब इनिशियल है उस वक्त आपके लिए बहुत टाइम भी लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम बीमारी में कन्वर्ट हो गया है बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली आपको किसी डॉक्टर किसी हकीम किसी माहिर के पास जाना जरूर चाहिए। बहुत अच्छी बात की किसी माहिर की, क्योंकि जब हम लोग समझ रहे हैं
वो उसी से ठीक होगा, नॉट पॉसिबल. वो आप वाली बात है कि होम रेमेडीज ऐसी होती है जो आप रेगुलर कर रहे हो और आप अपने स्किप कर दिया, वन वीक तक आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही है, आपके बाल अब जड़ों से गिरने लग गए, तो वो होम रेमेडी में क्लियर मैं कह दूं हमारे नाज़रीन को, होम रेमेडी आपको सेफ नहीं करेगी, टोटके आपको सेफ नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप इसको इनिशियली इब्तदाई कंडीशन में आप उसको केयर करें, जैसे भी मौसम चला है अब आपका छोड़ो यार अभी करते हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो आपके अंदर से जो है ना वो डैमेज कर देगी आपके स्किन को भी, आपके हेयर्स को भी. अच्छा आज आप एक होम रेमेडी लेकर आई हैं. आज मैं दो होम रेमेडी लेकर आई हूँ. आप बात है किस किस के लिए? हाँ, एक तो मैं लेकर आई हूँ एलर्जी के लिए. ओके. और एक मैं लेकर आई हूँ नजला जुकाम और खांसी के लिए, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए यकसा फायदे. क्या बात है. अच्छा मैं चाहूंगी मैं जरा नाजीन से बात कर लूँ और आप अपने जो है ना जो होम रेमेडी है उसके ऊपर जाए. अच्छा नाजीन आप हमें कॉल कर सकते हैं. आज देखिए मैं चाहूँ आप पेपर पेन रेडी कर लें और आप जो है वो आपको एक स्पेशल होम रेमेडी बताने चाह रही है. वो इसलिए कि जब चीजें सामने जो आपके किचन में मौजूद हो, ये बड़ी बात होती है आपके किचन में जो चीजें मौजूद हो उनको आप जो है यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और बच्चों को जो है नजला जुकाम खांसी इस तरह. और अगर आप क्वेश्चन करना चाहें लाइव शो में तो ऑफकोर्स आप गुड मॉर्निंग विद सभी में जो पूछना चाहिए, क्योंकि और बड़े जो है रानी आपा भी मौजूद है, उमैरा नाज भी मौजूद है. स्किन से रेलिवेंट है या आपके बालों से रेलिवेंट है या आपके जैसे एड़िया फट रही हैं, और जैसे भी मेरी प्यारी बहनों ने जो सवाल किए मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा है थोड़ा नॉलेज आपके भी. आपके घर में चीजें होती हैं आप जो है ना वो नहीं रहती, जैसे मैं अक्सर ऐसा होता है कि चीजें सामने होती जैसे शहद है हमारे पास अभी आप जैसे गुड़पत गुड़ पापड़ी जिसे कहते हैं ये आप खाने में इस्तेमाल कीजिए, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन गुड़ का इस्तेमाल कीजिए सब सब, क्योंकि गुड़ तो खाली तो नहीं खाया जाएगा ना. लेकिन अगर आप गुड़ पापड़ी बना के रखे ना, हाँ चीनी के इस्तेमाल गुड़ घर में ला के रखे. जिन लोगों को एलर्जी हो रही है या होती रहती है या सांस का मर्ज है उनको, वो एक छोटी सी डली गुड़ की मुंह में रख लिया करें ताकि वो डस्ट है वो उनकी जो है ना नाक में यहाँ तक पहुंच के जो एलर्जी शुरू कर देती है वो प्रॉब्लम उनको नहीं होगी. 3-4 टाइम हर खाने के बाद आप ये गुड़ की डली मुंह में रख लीजिए, आप देखिए कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं. अच्छा मैंने जैसे आपकी वालदा है अल्लाह उनकी बख्शिश करे, वालदा आपकी मौजूद उनके वाले माजरत मैं कहना चाह रही थी कि हमारी जो उम्र की हमारी मेरी वालदा है अल्लाह उनकी बख्शिश करे, और हमारे जितने पुराने लोग हैं वो बहुत सादे लोग थे लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें, तो मेरा दिल किया कि मेरी नानी अभी तक पता नहीं क्या क्या मेरी नानी हयात है ना, और वो मुझे अभी तक कुछ ना कुछ, हालांकि हमने सब कुछ है लेकिन नानी से फिर भी मैं उनसे पूछती रहती हूँ, क्योंकि वो भी जाहिर है पुराने वक्तों की एक हर्बलिस्ट ही कह सकते हैं हम, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, तो मैं आज भी उनके साथ बैठ के डिस्कस करती हूँ. वो बहुत प्यारी बात कह रही थी हमने, अगर मैं उनकी अपनी वालदा की वो सरसों का तेल जो है ना वो जैसे मौसम चेंज हो ना तो वो बहुत गर्म करके उसके अंदर लौंग डाल देती थी और वो जला देती थी, और उसके बाद क्या करती थी उसको बॉटल में रख के कहती थी रात को सोते हुए अपनी नाक में लगाए ना तो आपकी जो है ना ये जो नाक बंद नहीं होगा. मैं यार अच्छा समझ तो नहीं थी इतनी, पता है स्कूल लाइफ गोइंग थे हमें मालूम, लेकिन अब पता चलता है कि वाकई में इसका बड़ा फर्क पड़ता है. मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन अब रानी आपा बताएगी कि ऐसा क्या होता है. सारी नसें नम हो जाती हैं आपकी ऑयल लगाने से. देखो आपकी डस्ट जो जाती है वो नहीं ऊपर जा पाती इसकी वजह से जो आप. और एक और बात बताऊं उनकी जो वो नाप में भी डलवाते थे नाप में भी डाले. चलो लेट्स सी हमारे पास चलिए रानी आपा के ओवर टू रानी आपा जी. अब नजला जुकाम और खांसी के लिए मैं एक कहवा बता रही हूँ और ये कहवा इतना कारामद है कि इसको सुबह इस्तेमाल करें तो सारा दिन आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, और अगर रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें तो दिन भर की थकान, दिन भर की जो आपके ऊपर नज़ले का जो शिकार आप हुए हैं इससे महफूज रहेंगे और बहुत आपकी पुरसुकून रात गुजरेगी. ये मैं एक कप आपको बताऊंगी बनाना, आप इसको रोजाना इस्तेमाल करें और अपने घर के बच्चों को भी हसब जायका चीनी या शहद मिलाकर आप इसको इस्तेमाल करें. इस कहवे में लेना यह है कि आपको एक कप पानी लेना है और एक कप पानी में ये इतनी बड़ी अदरक ये मैंने छील कर यहाँ पर रख लिए, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा. Okay. एक चम्मच हमें इसमें एक कप पानी में हमने ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला
और इसको हम चाहें तो दो तीन टुकड़े भी कर सकते हैं कि इसका ज्यादा अच्छी तरीके से अर्क निकला निकल जाए, बिल्कुल ठीक इस तरह करके हमने डाल दिया। और इसमें एक चम्मच एक कप पानी में हमने डाली अजवाइन, जबरदस्त ये हमने अजवाइन डाली। ये ताजा मेरे पास पुदीना है, आजकल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ताजा पुदीना है हमारे पास। चंद पत्तियां मैंने यहाँ तोड़ कर रखी हुई है, हम इस पुदीने की डाल देंगे इसमें। ओके और इसका हम एक कप पानी में कहवा बनाएंगे, और जब इसमें तीन चार उबाल आ जाएंगे इस पानी के अंदर तो हम इसको छान लेंगे। ओके छानने के बाद गरम गरम हस्बे जायका शुगर या शहद मिलाकर बड़े लें। ओके और हस्बे जायका बच्चे ज़रा मीठा पसंद करते हैं, इसमें गुड़ की डली भी आप ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए के और जो गुड़ है वो आपका ना सिर्फ ये कि टेस्ट डेवलप करेगा बल्कि गुड़ आपकी सारी ठंडक को आपके जिस्म का जो बलगम सीने पे है उसको रिलीज कर देगा। और ये रात को सोते वक्त भी अगर दिन में दो बार ले लें सुबह और रात को सोते वक्त तो बहुत ही अच्छा है। बड़ों के लिए एक कप और बच्चों के लिए आधा आधा कप, उम्र के लिहाज से जो बहुत छोटे हैं उनको चमचे के साथ भी आप दे सकते हैं कि बस उनको फायदा पहुंचे। लेकिन ये रेमेडी ऐसी है कि इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान क्यों कोई भी नहीं है। बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन हो गई ना हमारी बॉडी के जितने जहरीले मादे वो इससे काफी डिटॉक्सिफाई। अब मैं आती हूँ सर्दियों के मौसम में एलर्जी। एलर्जी एक ऐसा मर्ज है जो बच्चे बूढ़े जवान सबको हो जाता है, और सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से खारिश होती है। ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात इतना ज्यादा खुजा लेते हैं कि वहाँ जख्म सा बन जाता है, खून रिसने लगता है। बाज़ों को इन दिनों में प्योर लेदर के पहनने से पैरों पर खारिश हो जाती है, और वो तो बहुत संगीन हो जाती है कि उसके काले काले पैचेस बन जाते हैं और कोई भी चप्पल या जूता इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए एलर्जी के लिए मैं बहुत ही सादा सा मरहम बनाना बता रही हूँ, वो बनाएंगी और वो उसको इस्तेमाल करें। जहाँ पर भी एलर्जी है पूरे जिस्म पर भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज अगर कोई एरिया ज्यादा इफेक्टेड हो गया उस एरिया पर करना ये होगा। ये है मेरे पास ग्लिसरीन। ओके और ये है बनफ्शा का तेल। ओके करना आपको ये है कि बनफ्शा के तेल में आपको तकरीबन एक टेबल स्पून ये लेनी है कलौंजी। ओके दो टेबल स्पून हमने इसमें कलौंजी ले ली। कलौंजी के अंदर एक तकरीबन चार इंच का टुकड़ा एलोवेरा का घी कबार आजकल हर जगह मिलता है, इसको दोनों जगह से छीलने के बाद बिल्कुल ये दोनों जगह से हम छीलेंगे और इसके अगर हम दो टुकड़े कर लें तो इसका सारा पल्प निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा तरीका जरा सा डिफरेंट है, मैं इसको ऐसे ऐसे करती हूँ, इसके अंदर फोक मारती हूँ तो ये खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा हमें इसको काटना नहीं पड़ता। टेक्निक है ना भाई, तो इसको लेकर आप इस्तेमाल करें। और करना ये है कि इसके अंदर तकरीबन दो टेबल स्पून इतने बड़े वाले, और अगर बड़ा वाला चम्मच है तो एक टेबल स्पून, इतने बड़े हैं तो दो आपको कलौंजी के लेने हैं। उसके अंदर ये है ग्लिसरीन, इसके अंदर एक टेबल स्पून भर के ग्लिसरीन। ओके और ये है बनफ्शा का तेल, इसके अंदर एक चम्मच भर के बनफ्शा का तेल। ठीक है इन तीनों चीजों को आप ब्लेंडर के अंदर मिक्स कर ले। अगर आपके पास कलौंजी पिसी हुई है तो इसको हाथ से बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले कि एक मरहम की शक्ल बन जाए। ओके ठीक है बिल्कुल मरहम की तरह होगा। इसको आप किसी बॉटल में रख ले और वक्त जरूरत रोजाना रात को तो लगाना ही है, लेकिन अगर दिन में भी किसी वक्त बहुत ज्यादा ईचिंग है इस मरहम का ले उस जख्म पे लगा दे। अगर पूरी बॉडी पर ईचिंग है तो पूरी बॉडी पर भी आप इसको लगा सकते हैं, चेहरे पर है, हाथों पर है, पांव पर है या फुल बॉडी पर है। ये एलर्जी के लिए एक बेपनाह फायदेमंद मरहम है, और आप इसको घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और इसको हर खास आम बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिकल एचिंग हर्बल क्रीम। चले जी थैंक यू मैम, मैं हमारे की तरफ चलती हूँ, आप अपनी जगह पर आ जाए। अच्छा मैडम ये बताइए मुझे, हमारे नाजरी सब देख रहे हैं, हमने कोशिश की है कि हम आपको जो है होम रेमेडीज के थ्रू या आपके घर में जो चीजें मौजूद है उस उनके थ्रू हम आपको थोड़ा सा गाइड कर सके। चीजें तो मौजूद होती हैं, हमें जरा सा प्रॉब्लम होती है, हमें मालूम नहीं होता कि हम उसे किस तरीके से जो है हम मिक्सिंग करें या ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद। जैसे एलोवेरा इन्होंने कहा ये चीजें मौजूद है। अच्छा कुछ ऐसे अजीब से जो है ना वो एक होते हैं मोल्ड, एक तो तिल होते हैं, लेकिन एक कुछ
जो है ना खून निकलने लगता है, पपड़ी सी ब्राउन हो जाती है, वो क्या जख्म कहलाते हैं? आपका कुछ देखिए वो सोराइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो तुम कह रही हो ना कि वो जो जख्म हो जाते हैं वो पूरी स्किन पे, सर पे भी होते हैं, पूरे हाथों पे भी होते हैं, स्केल्स जिसे कहते हैं स्केल्स की तरह, उनको नोचते से खून निकलने लगता है। तो वो स्क्रैच आप करेंगे तो मजीद उसमें से खून निकलेगा, वो सोराइसिस की शक्ल इख्तियार कर है, जिसे हम एक्जिमा जब बिगड़ जाता है स्किन पे तो वो सोराइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ कि इस तरह अगर सोराइसिस हो रहा है या एक्जिमा किसी को हो रहा है तो उसके लिए बेहतरीन है आप 100 ml ग्लिसरीन लीजिए और 200 ml आपने सरसों का तेल लेना है। ये मिक्स करके बना के रख लीजिए और रात को सोते हुए जहां आपके जख्म हो रहा है वहां लगा के सो जाएं, और जो भी आपने सोप यूज करना है वो आपने ग्लिसरीन वाला करना है, जो भी ग्लिसरीन वाले सोप होते हैं, आम सोप यूज नहीं करना है, डिटर्जेंट से अपनी स्किन को बचाना है। और वही बात है कि इसका कोई इलाज अभी नहीं है, क्योर आप इससे कर सकते हैं। तो ये एहतियात यही मैंने बताया कि ये जो बरम लगा बना के आप लगा लें स्किन पे, आपकी स्किन सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और खुद ब खुद, और जो चीजें जो इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है वो खून साफ करने वाली चीजें जरूर इस्तेमाल करें जिनसे आपका खून साफ हो रहा है। बहुत सारे सिरप हैं, बस हमारे फ्लोर पे एक पर्सन है ना उनको ये है, लेकिन वो ऐसी बातें तो ना करें जो कड़वी चीज है, क्योंकि हमेशा मैंने देखा कि वो कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं कि बीमारी के लिए थोड़ी कड़वी गोली खानी पड़ती है, ऐसा ना बुखार के लिए, तो ऐसी चीजें जिसमें करेला है बहुत है, करेला और एक और चीज है वो उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, वो एक उंगली जितनी होती है उसे कहते हैं, वो चोचे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पता नहीं कड़वी कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बनती बड़े मजेदार है और वो शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। मेथी बहुत अच्छी है खून साफ करने के लिए, ऐसा है। अब आपा मेरे मैं आपा बैठ रही हूँ, मैं अपनी ऐसे जख्म के लिए लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम है। देखिए स्किन में सबसे पहले शुरुआत होती है खारिश से, खारिश दाद ऐसा ही चंबल एक्जिमा, और लास्ट उसकी स्टेज होती है सोराइसिस। सोराइसिस में स्किन की पपड़ियां झड़ने लगती हैं और वो जहाँ मरीज है उसके बिस्तर पर भी उसकी पपड़ियां मौजूद होती हैं, और जब वो और उससे पहले की जो स्टेज है एक्जिमा, एक्जिमा में जितना इतना मजा आता है खुजाते वो बढ़ता रहता है, उसमें से खून खारिश इतना ज्यादा होता है कि उसको खुजाने से मजा आता है, फिर जो खून निकलता है जो तकलीफ होती है बहुत तकलीफ देती है। इसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए, स्किन की बीमारियां लगती भी हैं तो उनको बहुत क्योर करनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि नीम के पत्तों के पानी से नहाना शुरू कर दे तमाम लोग, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन हमारे दरमियान कॉल है साहिवाल से, क्या नाम है उनका? हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरी बहन आपका? जी हमेरा बात कर रही हूँ। अच्छा, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपने बहुत अच्छा शो शुरू किया है, मैडम को बुलाया, मैडम मेरा आई है, रानी आपा आई है, सलाम कहूंगी। आप बड़ी पुरानी कॉलर हैं और मुझे डिफरेंट चैनल्स पे भी मिलती रहती हूँ मेरा, और आज यहाँ मुझे बड़ा इत्तेफाक है कि ये आज ये यहाँ पर भी मौजूद है। देख लें साबी जो है वो सबको घसीट के ले आती है, सभी है मोहब्बत है इसकी मोहब्बत है, और हमारे देखने वाले जी बोले कुछ मैडम से भी और रानी आपा दोनों से पूछना चाहूंगी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो गई है जी, और मुझे बहुत हफ्तों से खांसी हो रही है, सीना पूरा जकड़ा हुआ है। ओहो, मैं शहद और उसका पिपली का भी इस्तेमाल कर रही हूँ मगर सही नहीं हो रही है, तो दोनों से काइंडली रिक्वेस्ट है जी कुछ होम रेमेडी अच्छी भी बता दीजिए। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा साहिवाल से कॉल की। अच्छा आप पहले आप बताएं फिर नाज आप बताओ। जी मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन की साबुत पोती ले लीजिए, बगैर छीले जो साबुत पोती होती है वो आप चूल्हे पर रख दीजिए, और चूल्हे पर ऐसे रखें कि चूल्हा जलता रहे पोती रखी रहे, फिर आप देखेंगे कि एक स्टेज पर वो कोयला बन जाएगी। जब वो कोयला बन जाए तो चूल्हे को बंद कर दीजिए, ठंडा होने पर उसको चूल्हे से उतार दीजिए। ओके, और चूल्हे से उतारने के बाद उसको तोड़ ले, वो तो कोयला है, सारी डंडी हर चीज उसकी खत्म हो गई, कोयला बन गई। उस कोयले को आप बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और उसको शहद में मिला लीजिए, और दिन में 3 बार 1-1 चम्मच शहद भरकर उसका जो आपके पास लहसुन की का जो पाउडर हो गया जले हुए लहसुन का, दिन में 3 बार पाउडर या पेस्ट
रिक्वेस्ट हो गया। नहीं, लहसुन का पाउडर पीस कर शेयर में ला ली। वो तो कोयले बन गया, वो इतना अच्छा कोयले बन के फंस जाएगा। वो कितना जला रहा है जी, जल गया वो पोस्ट, उसको उसके कवर के साथ ही जला दिया, पूरा जल गया, उसके छिलके जल गए, उसकी जो लकड़ी होती है वो जल गया, कोयले के लहसुन के ऊपर जो पोती के ऊपर उसके हल्के हल्के बाल होते हैं वो सब कुछ पूरा जल गया। जलने के बाद आपने उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया और पीसने के बाद आपने उसको एक बोतल शहद में मिला लिया। इतनी बड़ी बोतल, यानी आधा एक पाव की या आधा पाव की, इतना मुझे अंदाजा नहीं है, पतली सी एक बोतल 100 ml होगी, 100 ml में आप मिला लीजिए। और टीस्पून जिससे चीनी मिलाते हैं छोटा वाला, सुबह दोपहर शाम और रात को जब आप वो खा लेंगी, एक तो ये खाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना, हल्के हल्के चूसना है, मजे लेने के खाना है आपने, गले में लगे आपके ये सारे चुस्के लेने के, आपके लंग्स भी मजबूत होंगे, आपकी ये जो जो थ्रोट है आपका, इसकी स्वेलिंग उतरेगी और आपका बलगम खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका सीना क्लियर हो जाएगा। और रात को जब आप आहिस्ता आहिस्ता करती हुई सोएंगी तो उसके बाद कोई पानी, कोई दूध, कुछ भी नहीं लेना है, और दिन में भी तकरीबन आधा घंटा आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस सुकून करना है, चाय करना है। अच्छा जी, हाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी सिस्टर, ऑफकोर्स उन्होंने कॉल की दोनों को, तो आप भी बताइए। देखिए उसके लिए मैं जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, अगर इस तरह की कभी कंडीशन हो जाती है मैं या मेरे बच्चे, तो हम करते हैं शहद के अंदर मैं मिलाती हूँ अदरक का कुचला हुआ पानी, जैसे एक इंच का टुकड़ा लेके उसका पानी निकाल के आप एक चाय के चम्मच शहद में मिला लें, और उसके साथ ही हल्दी मिलती है, कच्ची हल्दी आपको सब्जी वाले के पास से मिल जाएगी, वो आपने पेस्ट बना के आप खाने में भी इस्तेमाल कीजिए, मैं कहती हूँ पूरी सर्दियां उसी को आप इस्तेमाल कीजिए, वो तकरीबन 2 चुटकी आपने एक छोटे चम्मच शहद में मिलानी है और अदरक का कुचला हुआ पानी, ये रात को आप चाट के सो जाए, इस पे पानी नहीं पीना, 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह इनका कफ जो कह रही है सीना जकड़ा हुआ है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि सब जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने जो इजीएस्ट आपको लगता है, क्योंकि मैं भी मुझे अच्छा अदरक और लहसुन की जो है ना, अब ये भी होता केमिकल वाले, जरा सा भी देसी यकीन करें मुझे इतनी पसंद है इनकी खुशबू, मैं खाने में भी अदरक लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ और चटनी बना के खाना बहुत पसंद है, रियली मैं सच बताऊँ मुझे बहुत पसंद है। और जिस तरह इन्होंने जब बता रही थी ना लहसुन जल जाए, कोई मुझसे पूछे वो वैसे ही मुझे बोलती है तो तुम मलंग बन दी है, मुझे इतना पसंद है कि मैं ना हल्का सा बस ऐसी, मतलब इट्स मीन की हल्का सा कटिंग की और प्याज भी हल्का सा कटा, हरी मिर्च के दाने निकाल के वो भी, और वो हल्का सा बस सरसों के तेल में हल्का सा ब्राउन ही होना, और मैंने उसमें एक टमाटर डाल दिया और वही मैं जो है ना, मुझे इतना टेस्टी लगता है, हाँ मुझे वो। और अगर मुझे बहुत ज्यादा नीड हो तो मैं ये जो आंबा हल्दी मैंने पीस के रखी हुई है एक चुटकी डाल देती हूँ, ये फ्लेवर्स मुझे इतने पसंद है, मुझे सारी दुनिया के मसाले, दुनिया में हल्दी आंबा हल्दी की टैबलेट्स आ चुकी हैं, वो कहते हैं हड्डियों के दर्द के लिए, हमारे पास जब नेचर ने कुदरती चीजें मिली हुई है हम उनको अवेल नहीं करते, महंगी महंगी टैबलेट्स लेके खा लेंगे, लेकिन जो चीजें अल्लाह ताला ने कुदरती हमारे लिए भेजी है, ये हल्दी का इस्तेमाल हो गया। अभी सर्दियां आ रही है, आप लहसुन आता है पत्तों वाला ग्रीन लहसुन, आप ऑमलेट में बना के वो लहसुन खाइए, पूरा सर्दियां अगर आपने वो लहसुन खा लिया देसी घी के साथ, मैं कह रही हूं सिस्टर नहीं, आप पूरी मार्केट में जा आपको मिलेगा ग्रीन लहसुन, घर में उगा लो, मेरे ख्याल में आप घर में उगाए, आप वो तो उग भी जाता है, तो आसानी से उग भी जाता है, उसे तो कोई पाबंदी भी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो ये नहीं कहता मुझे बड़े से फार्म हाउस में लगा, वो तो कहता मुझे गमले में भी लगा तो मैं उग जाऊंगा, तो इजीली उग भी जाता है ग्रीन लहसुन का, आप ऑमलेट बना के खाएं देसी लहसुन में, और अगर इजाजत देती है जेब तो देसी अंडे, ये मेरे यहाँ हमारे यहाँ चलता है सीजनल, हमारी नानी का नुस्खा है, जो ये पूरा सीजन खा लेगा उसका हड्डियों का दर्द, जब आप ऐसी बातें करती हैं ना हुमैरा, मुझे मामा याद आती है, अम्मी वो देसी उसमें जर्दी को फेंट फेंट के उसके अंदर डालती थी, एक दूध हल्का सा नीम गर्म, जब मुझे अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन होता था के लिए, तो मुझे रात को सर्दी वो टोपा पहना हुआ, मैंने मुझे अपना बचपन याद आने लगता है, ऐसी बातों से ये होता है जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो आप ऐसा याद आ जाता है, माँ याद आ जाती है, दादी याद आ जाती है, तो मुझे तो मैंने दादी ही सरवाया होते हैं, आए हाय, तो मेरी वालदा ना मेरी बहुत केयर, मैंने सॉक्स पहनने, मुझे जल्दी इन्फेक्शन जैसे बोलते नजला बहुत जल्दी हो जाता था, तो मेरी अम्मा ना मुझे वही, और मुझे वो पीने को दिल ना करे लेकिन वो इतना मतलब आज याद आता ना कि वो चीजें हमारे आज वो सेफ्टी के लिए कहते थे, वो अच्छा मैं आपका खून बनाता है, मुझे अब नॉलेज ली है कि वो नीम गर्म दूध, उस वक्त तो बाड़े वगैरह का दूध होता है, ये तो डब्बा पैक वगैरह नहीं था, वो दूध और सुबह ऐसे उस पर बलाई होती थी, रियली मैं सच बताऊं
हमारे वाले साहब 2-2 किलो लाते थे, हम सब जैसे मेरी वालदा ना जो उसे पेंट के थोड़ी सी उसमें चीनी होती थी वो फ्लेवर के लिए, लेकिन वो जब मैं पीती थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फायदेमंद बहुत था। बिल्कुल, बिल्कुल सीना जो है ना वो सुकून से रहता था और उससे ब्लड बहुत बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग। इम्यून सबसे बड़ी चीज़ है। तो सही कहते हैं हम लोग अपने नेचर से दूर हो गए, आप ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है, बच्चे नखरे बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे तो आजकल बर्गर हो गए, बर्गर ही करते हैं, दिन नहीं गुजरता किसी का भी, जंक फूड के इतना आदि हो गए, जंक फूड में कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि हमारे मतलब माओं का कसूर ज्यादा है कि बच्चे ने जैसा कह दिया वैसे ही चलना है। आज हर बच्चा पैदा होते ही मेरे ख्याल से गैजेट उसके हाथ में दे दिया जाता है, फिर हम कहते हैं बच्चा बिगड़ रहा है। बच्चे की तरबियत आप स्टार्ट से करो, गैजेट देना जरूरी नहीं है, आप कहानियां सुनाए, बहुत सारी कहानियां बच्चों को लेकर बैठे, वो दौर ही गुजर गया। मैं देखो एक प्रोग्राम हम करते हैं प्रोग्राम, क्योंकि ये मोबाइल का है ना, बहुत सीनियर है वो मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने कहा 60 साल तक खुदा के लिए यूं हाथ जोड़ के कह रहे थे, वो बहुत सीनियर पर्सन है, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को 7 साल इस मोबाइल से दूर रखे। और कल मैं बी प्रैक्टिकल जो है वो एक पर्सन, मेरे कजिन भी हैं, दोस्त भी हैं, हम यूं कहेंगे वो अपने बच्चे को जो 2-3 साल का बमुश्किल होगा या तंग कर रहे हैं ना, उन्होंने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया और वो बड़े मजे से खुद बिगाड़ रहे हैं, हम अपनी नस्लों को खुद बिगाड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं ना। मैंने कहा यार इसको कलरफुल बुक्स इनके आगे रख दे, कलर दे ताकि हम, हमारे घर में अभी भी आज भी बच्चों को लेकर हमारे घर में जितने बच्चे कलर पेंसिल्स एंड कलर बुक लाके दे दिए, बना के दिखाओ कैसे नहीं बनाएगा, उसके आगे कुछ पेंटिंग रख दो, कुछ मेहनत नहीं करनी ना। माँ बाप तो खुद भी तो माँ बाप लगे हुए होते हैं ना गैजेट्स पे, वो लगे तो कहते हैं ठीक है हमारा बच्चा उसमें लगा हुआ हम इसमें लगे हुए, बच्चे पे तरबियत में वो नहीं दे रहे तवज्जा माँ बाप। बिल्कुल अगर तरबियत में तवज्जा दें तो जो आज बिगाड़ हो रहा है हमारी नस्लों में वो बिगाड़ भी ना हो। और इसमें हेल्थ भी काउंट करती है, हेल्थ हम उनको फिजिकली एक्टिविटी इनटेक क्योंकि वो उनके लिए इजिएस्ट कर दिया, खुद भी ऑनलाइन मंगवा के खा लिया। देखिए कभी कभी जब एक फैमिली गैदर होती है लाइक अच्छा है, हम ये नहीं कहते इसके बगैर ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल कि कभी फैमिली गैदरिंग होती है तो बंदा एंजॉयमेंट के लिए बाहर भी निकलता है, फूड भी खा लेता है, लेकिन उसको आप रूटीन में मत डालें। मैं तो बिल्कुल ये कहना नहीं करते ना, मोबाइल हमारे बच्चों की रगों में अंधेरा कर रहे हैं, हमारे बच्चे नेचर से दूर हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि बाहर कैसी हवा चल रही है, बाहर कैसी बारिश, एक्टिविटी खत्म हुई ना बच्चों, बाहर दिन निकला बच्चों है। की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी वो हमने खत्म कर दी है, मोबाइल मोबाइल। किसी जमाने में मुझे याद है कि हम लोग बैठते थे लूडो खेलते थे, आज बच्चे को पता नहीं। मैं तो अभी भी अपने भांजे भतीजों के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ लूडो निकालो कैरम निकालो आओ बैठ के खेलते हैं, ताकि हम बच्चों को सिखाएं तो सही हमारे गेम्स थे, आके बैठो साथ बैठ के बच्चों की हमें पता चलती है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, डिस्कस करने से पता चलता है। आज इतना अफरा तफरी का दौर है कि हर घर में मैं ये देख रही हूँ कि एक बच्चा एक टाइम पे खाना खा रहा है, एक बच्चा एक टाइम पे खाना खा रहा है, माँ अलग खा रही है बाप अलग खा रहा है, मतलब टाइमिंग्स का कोई नहीं। रात के टाइम तो अल्लाह के बंदो एक दस्तरखान लगाओ, अपने साथ बैठो, बच्चों को बिठाओ, उनकी प्रॉब्लम्स पूछो, आज सारा दिन तुमने क्या किया, ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। करीब जिनसे क्लोज रिलेशंस हैं उनके हम करीब नहीं है, लेकिन जो हमारे हम सबसे करीब हैं, सबसे करीब हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, सोच ले जो जनरेशन बना रहे हैं तो सोचिए 15 साल बाद वो आपको क्या देगी। थैंक यू सो मच उमैरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम ज्वाइन करेंगे आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसा एक और टॉपिक लेकर आएंगे जिससे हम लोगों को अवेयरनेस दे सके, माशाल्लाह आज हमारे दरमियान कॉलर्स भी बहुत आए, और थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन ये था हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी का हेल्थ सेगमेंट, पूरी कोशिश की है कि हम अपनी बात आप तक डिलीवर करें डेमो के थ्रू या गुफ्तगू के थ्रू, फिर भी कुछ बात रह जाती है उसके लिए माजरत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। की वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है बिल्कुल रेडी, और इस वक्त हम जो है बहुत प्यारी सी मेरी छोटी सी बेबी मौजूद है जी, बनेश अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बनेश? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं जी? फर्स्ट क्लास, और मजा आ रहा है, मेरे शो को भी देख रही थी आप 1 घंटा पहले और साथ में कट कट पट पट में सब आवाज आ रही है। ऑफ कोर्स और अब बताइए आज कौन सी डिश बना रहे हैं? आज हम बहुत ही जबरदस्त एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। दैट्स गुड। और क्या कहते हैं, पालक अक्सर बच्चे नहीं खाते और अक्सर माओं को बड़ी परेशानी होती है कि वे अपने बच्चों को पालक कैसे खिलाएं, ऐसे ही है तो पास्ता भी है
पालक भी है, चिकन भी है और चीज भी है, चीज तो हर बच्चा, चीज भी है, चिकन भी है, पास्ता भी है। चलो इंग्रीडियंट्स बताइए मुझे। मैंने पहले से पास्ता बॉइल कर लिया है, पेनी पास्ता है, ये सलांटी शेप का होता है। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बॉइल करके रख लिया। इसमें जब आपका बॉइल होने लगे ना, तब आप इसमें हल्का सा पालक ऐड कर दें, जैसे ब्लांच करते हैं, तो उससे ये होगा कि उसमें पालक आपकी ऐड हो जाएगी। दैट्स गुड। ठीक है, फिर ये हमारे पास कुछ सीजनिंग्स है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ओके लाल मिर्च है, सॉल्ट है। और इंग्रीडियंट्स हम वन बाय वन, यानी कि इन्होंने पास्ता बॉइल कर लिया, उसके बाद क्या है, ये कुटी हुई लाल मिर्च, ओके ये रेड चिली और ये सॉल्ट। ठीक है, अगर स्पाइसी है, अच्छा अगर बच्चों के लिए बना रहे तो फिर आप कम कर सकते। अच्छा वो नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास क्रीम है, ये मैंने क्यूब्स में चिकन काट ली थी। अच्छा क्यूब्स में, ओके अगर हमें नाज़रीन को, अच्छा अच्छा ओके डन, ओके ठीक है। और फिर ये हमारे पास टोमेटो प्यूरी है। अच्छा ये था कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है चूंकि, तो मैंने वरना क्यूब्स में काट के उसको उसी वक्त डाल सकते, तो मैंने उसकी प्यूरी बनाई। माशाल्लाह जीनियस। और ये आपके पास मैंने अपना चॉप लहसुन ले लिया था, ये वो है, ओके ये मैंने आपको सिर्फ पालक दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से पालक जो है वो पास्ता में डाल सकते हैं। दैट्स गुड, यानी इन्होंने कटिंग भी बता दी है। और ये हमारे पास दूध है, ओके इसमें डालेंगे। जी जी। अच्छा ये क्या क्या शराबी, ये इसकी गार्निशेस है, इसमें आपकी जो है वो सूखी हुई बेजल जो आती है, अक्सर आपने बॉटल्स में देखा होगा। आएगा जी, यहाँ बताइए क्या क्या, ये बेजल है, ये पार्मेसान चीज है जो पाउडर आती है, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो है पेपरिका, ये हम ऊपर गार्निश में डालेंगे। गुड। अच्छा ये एक और बॉल पे क्या है, ये भी ये चेडर चीज है। दैट्स गुड, ये चेडर चीज है। अच्छा वी विल स्टार्ट करेंगे स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अच्छा ऑयल का बता दीजिए जो हम इसमें डाले। ये ऑयल है, मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया, ये 5 टेबल स्पून के करीब। टाइम हम लोगों ने सेव किया है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, तो हमने कहा ये ना गर्म हो जाए थोड़ा, तो इसमें ये हम दो, ये 8 टेबल स्पून के करीब जो है हमारे पास लहसुन है। मुझे दे दीजिए बॉल जो यूज होते हैं, ओके ये हम डालेंगे, थोड़ी सी हम फ्लेम इसकी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये आपने यूज करना, ये आप स्पून अगर चाहिए तो आप इसमें नेक्स्ट को, हाँ ये यूज कर सकती हैं। ओके लाए मुझे दे दे, आप ये मुझे दे, थोड़ा फ्लेम हो गया, आपने ऐसे ही हटा दिया था, अच्छा खासा हीट अप हो रहा था, ओवर हीट हो गई थी तो वो लहसुन जल जाता। ओके हाँ माशाल्लाह जीनियस, बिनिश इज जीनियस, कौतम से आई है और मजे की रेसिपी लाई, और रेसिपी का नाम बार बार आप बताया था, स्पेनिश चिकन पास्ता है। अच्छा बड़ी प्यारी लहसुन, तो वैसे गार्लिक हमें हर सेगमेंट में भी बताया, जिनको गार्लिक बहुत पसंद है तो वो अपने फ्लेवर्स के मुताबिक ऐड भी कर सकते हैं। ओए ओए मेरा दिल करा मैं ऐसे ही उठा के, रियली मुझे इतनी पसंद है ये लहसुन, बहुत लोग अक्सर खाओ से मैं यही करते, वो जो चिप्स होते हैं वो भी डाल के ऐसी भगाड़ में, तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा कुछ लोगों ने, हाँ बिल्कुल, ये लहसुन अदरक को अगर हल्का सा जैसे कश किया ना। अच्छा मैं इसमें बता दूं, हमें लहसुन जो है ना ये पूरा ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ उसका इसकी जब खुशबू आने लगे ना, आ गई आ गई, तब हमें चिकन के जो क्यूब्स हैं वो हम ऐड करेंगे। मैं बच्ची की अरुण भी कह रही हूँ, बिनिश अहमद शेफ, बिनिश अहमद जिस मेरे दरमियान मौजूद है, लहसुन का जो है ना वो मेरी आंखों में भी लग रहा है, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा हाँ कुछ इन्होंने रुला दिया, लोग प्याज से रुलाते हैं, उन्होंने लहसुन से रुला दिया। अच्छा देसी लहसुन लाई हो, सही टाइप, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा, सर्दियां तो देसी लहसुन तो वैसे ही बहुत आजकल अच्छा। अच्छा बच्ची ने क्यूब्स वगैरह टाइप के बनाए, अच्छा चिकन बहुत जल्दी चंदा हो जाती है। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है शेफ बिनिश, और शेफ सॉरी बिनिश अहमद, शेफ बिनिश अहमद, और जबरदस्त डिश है, और ये हम लोग चिकन को चाहते थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट होने लगेगी, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा नाज़रीन जो सब गुड मॉर्निंग इस सभी का जो किचन सेगमेंट देख रहे हैं, और मैं उनको बताना चाहती हूँ, आप लोग अगर मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग इस सभी के किचन को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, कुकिंग में आप समझते हैं कि बहुत अच्छी डिश बना सकते हैं, तो यू कैन ज्वाइन विद अस, कॉन्टेक्ट नंबर 03442069902 पे, कोई मसला नहीं है। आप ये मत समझे, मैं तो चाहती हूँ कुछ ऐसी क्रिएटिव डिशेस लेकर आए जो आप समझते हैं कि घर में मौजूद है और आपके बच्चे नहीं खा रहे, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो ये डिश से अभी तक नहीं अवेयर है या उनको नहीं मालूम, और इस तरह की डिशेस बनती हैं, तो बिल्कुल चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, आप बिल्कुल हमारे किचन सेगमेंट में आ सकते हैं। यस यस ये हो गया, और जी
लहसुन पूरा जो गार्लिक जो है ना वो पूरा जो है चिकन को लग गया है। अगर गुड़िया आपने इसका कांटे का भी इस्तेमाल करना है, कुछ आपको समझ में आ रही है क्योंकि इन्होंने शायद फ्रीज किया हुआ है ना, आई थिंक सो। एक्चुअली कोई बात नहीं, कोई नो इशू, नो इशू। अक्सर ये होता है कि पानी की टच है, लाइव शो है, क्यों नहीं होगा। अच्छा बोले मैं जरा इनके साथ इस तरह करती हूँ, बच्चा कंफर्टेबल, जो शेफ होते हैं कंफर्टेबल हो जाते, वो पता पता नहीं क्या यार हमसे कुछ, क्योंकि लाइव शो होता है और नॉट इजीएस्ट जॉब के न्यू आने वाले को। अच्छा लग रहा है हमारे शो में आना? जी जी बहुत अच्छा था, मजा आ रहा है जी। क्या मजा आ रहा है? खाना आपको बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। Different information. Good. अब हम इसमें ये ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने हमने एक कप के कप के बराबर जो है टमाटर लिए। ये मुझे दे दो बाउल, इस तरफ हम जो वैसे यूज हो गए बर्तन हम इनको इस तरफ। अच्छा फ्लेम बिल्कुल ठीक है गुड़िया? जी जी दैट्स गुड। अच्छा तो हमें पानी इसमें सिर्फ ध्यान से इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि टमाटर पानी जरूरी है वैसे ही इसके अंदर इतना। मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि मतलब अक्सर होता है कि लोग, हम लोग तो देसी हैं तो छोड़ देते हैं, तो हमें टमाटर का भी पानी देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बहुत पानी डाल दें क्योंकि फिर इससे ये होगा कि एक तो आपका चिकन बहुत, यानी सर थोड़ा कम नमक लग रहा था मुझे थोड़ा ना, एक्चुअली मैं चीज है तो चीज में भी नमक होता है। चले आप बाद में डाल भी तो सकते हैं अगर आपको जरूरत है, वो आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू। ओके और आपके ऊपर स्पाइसेस है कि आप किस तरीके से। ये हो गई, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। बिनेश अहमद, शेफ बिनेश अहमद इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है फ्रॉम कौतम से, और बेहतरीन माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, थैंक यू। जबरदस्त। कितनी देर की ये डिश होती है चंदा, ये बताइएगा? अगर आपके पास्ता बॉयल है तो आराम से 15 मिनट्स में आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अगर आप ब्रेस्ट पीस से बना रहे हैं तो आपके 5 to 10 मिनट सिर्फ चिकन जो आपको गलने का टाइम लेता है वो होगा, बाकी जो है आपका पास्ता बॉयल है तो आराम से 15 मिनट में, आधे घंटे में आप ये डिश आराम से तैयार। अच्छा ये अक्सर जैसे लड़कियां गैदरिंग अपने घरों में करती हैं या फैमिली, तो ये इस तरह की डिश जो है ना क्विकली बन जाती है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आ रहे हैं तो अब आपको ये है कि आपके घर में पास्ता मौजूद है, चिकन होना चाहिए। और कितनी देर रखेंगे चंदा? सिर्फ 5 मिनट। मैं 5 मिनट में एक छोटा सा सेगमेंट कर रही हूँ, तो चले जी इनको हम देते हैं 5 मिनट। हम चलते हैं फायर या ब्यूटी क्रीम का, क्योंकि सरप्राइज एंड प्राइस तो बहुत जरूरी है, और मेरे हाथ में है ये बैग और ये है फाइजा ब्यूटी क्रीम का लकी ड्रॉ, और बहुत इजीएस्ट है। और देन आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, इस वक्त मेरे हाथ में एक बैग है, इसके अंदर है बहुत सारी प्रोडक्ट फाइजा ब्यूटी क्रीम की, जिसमें हेयर कलर है और अर्जेंट फैशन है, और फाइजा ब्यूटी क्रीम 22/31/90 जो बहुत फर्स्ट उसमें आई थी, पाउडर है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, यानी कि 1000 का ये तो बैग है, लेकिन 1000 के बैग से ऊपर इसके अंदर प्रोडक्ट मौजूद है, और ये 1000 का बैग जस्ट आपने परचेज करना है, और हर महीने लाइव यहाँ पर जो है फाइजा ब्यूटी क्रीम का लकी ड्रॉ होगा, जिसमें है गाड़ी है, बाइक है, और LCD है, और साउंड सिस्टम है, टेलीविजन है, डिनर सेट है, और उम्रा के टिकट है, बहुत कुछ उन्होंने आप लोगों के लिए रखा है। तो जस्ट परचेज दिस बैग एंड कॉन्टेक्ट नंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं 03। अच्छा ये सिर्फ इसी नंबर पर मिलेगा, आप कहीं आप प्लीज शॉप पे ना चले जाइएगा, हमें फाइजा ब्यूटी क्रीम का बैग चाहिए, नॉट पॉसिबल। 03-44-206-9902 पे आपको ये बैग मिलेगा, और आप Easiest. और एक और सरप्राइज दूं, आप हैरान रह जाओगे कि सभी ये क्या कह दिया। जिनके पास ये 1000 का बैग होगा, कूपन होगा, तो वो एक बहुत बड़ा गेम शो फाइजा ब्यूटी क्रीम लेकर आ रहा है, तो उस गेम को आप सिर्फ कूपन दिखाएंगे और उस गेम शो में शामिल हो जाएंगे। उसमें सिर्फ अपने आपकी फैमिली जो है, जो पर्सन अलाउ होगा, तो वो गेम शो खेलेगा और उसको इनाम मिलेगा। क्या कितना आसान है, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है, आपने उस गेम शो का अगर हिस्सा बनना है, मैंने सरप्राइज जस्ट क्लोज कर दिया ना, तो उस गेम शो का हिस्सा बनना है तो जस्ट परचेज दिस बैग, यानी कि डबल सरप्राइज एंड डबल प्राइजिंग। आप ये भी ले, इसमें भी शामिल हो सकते हैं, और एक बड़े से गेम शो में भी हो गया ना आप लोगों के लिए जबरदस्त तक बड़ा बम्पर फाइजा ब्यूटी क्रीम पूनिया ब्रदर की जानिब से, यानी कि दो गेम शो जो आ रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट परचेज दिस बैग 1000 एंड आपको मिलेगा एक कूपन, एक आपने रखना है, एक 1 मंथ के बाद हम लगेंगे लकी ड्रॉ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ इसीलिए कि हम चाहते हैं कि आप एंजॉय करें और खेलें और जीते। चले जी मेरे ख्याल में हमने कर दिया है जबरदस्त आप लोगों के लिए सरप्राइज, और हम आ गए किचन में। तो ये हो गया है
बस हमें इसका इंतजार करना है, थोड़ा सा ये पानी सूख गया, जैसे ही थोड़ा पानी सूखेगा हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। और आप पानी डालने की बातें कर रही थी, अच्छा वो नहीं डाले, नहीं डाला मैंने एहतियात में, मुझे भी आ गई। अच्छा मुझे कुकिंग आ गई है, आप लोगों ने मुझे सिखाया मिर्च बहुत तेज है। अच्छा इस बच्ची से मैंने कहा चटपट आसा बनाना ना। अच्छा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, बहन इधर उठ बहुत धुआं मचा रहा है मुझे, खैर खैर कोई बात, अच्छा ड्राई होगा क्योंकि लाइट फ्लेम तेज करनी पड़ेगी, सारा धुआं मेरी तरफ ही जा रहा है, मेरे हलक में मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारे दरमियान कॉलर थी जब मैं सरप्राइज सरप्राइज करी थी, अगर हमारे दरमियान कॉलर है तो प्लीज मुझे जरूर आप इशारा करें, कॉल या मतलब दो कॉल ड्रॉप मैं कर चुकी हूँ, इसके लिए बहुत माजरत जी। मैं आपका नाम ले सकती हूँ जिनकी कॉल आई थी जी, हम पास्ता जी जी हम पास्ता ऐड करे थे, बाद में कॉलर के नाम भी थैंक्स कर लेंगे जिन्होंने कॉल की थी। अच्छा गुड़िया हो गया, ओके हो जाएगा। अरे वाह भूख बढ़ा दी बिनिश अहमद ने, शेफ बिनिश अहमद ने। अच्छा मजेदार की बात है, ज्यादा कुक नहीं होगा जब आपके मम्मा का नाम क्या है, ज़किया फ़हीम। ज़किया इस वक्त जो है वो बिहाइंड जो स्क्रीन के सामने मेरे बैठी हुई है और मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरी चटपटी बातें सुन रही है। मैं चटपटा खाना हूँ मिस ज़किया, और आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, और आपकी मामा अपनी मामा का बहुत ख्याल रखा करें यार, यू आर गुड लक। जिस जिसके पेरेंट्स जिंदा है मैं कहती हूँ यकीन करें क्रीम ऐड करेंगे, किचन सेगमेंट है और डिश का नाम है कुछ लोगों को ना पसंद तो ना ऐड करें, वो क्रीम चीज ऐड कर सकते हैं। अरे बहुत भी जो है ऐसा इस पास्ता में आपकी मर्जी है, आपको जितनी चीज पसंद है उतनी आप डाल सकते हैं। इसमें आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप क्या कहते हैं हनी एक बात बताइए जी, मुझे ये डिश कहाँ की है, ये मतलब इट्स मीन कुछ आपके खुद क्रिएट की? ये मैंने खुद जो है मैंने अपनी खाला से सीखी थी, उन्होंने एक क्या नाम है खाला का, जोहम। जोहम देखें कितनी अच्छी याद करती हूँ, थैंक यू, बहुत अच्छी डिश है आपने बच्ची को सिखाई थी। देखिए ये मोहब्बतें हैं, इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस करते 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 क्या बात है। एक्चुअली मैं होम बिजनेस भी करती हूँ तो अक्सर माशाल्लाह उसमें जो है वो एंटरप्रेन्योर्स मोमेंट्स में आ गई ना आप, बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए क्या तो ये एक कप दूध है जो इसमें हम सॉस के लिए ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सॉस जितना आपको चाहिए। कुछ लोगों को ड्राई पास्ता पसंद होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल जो है वो बस ठीक है गुड है सही, कुछ लोगों को जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है कि सॉसी हो, ओके तो वो आपकी मर्जी है कि आपको, लेकिन आप पालक बहुत कम डाली, मुझे इतनी पसंद है आज डाल देती हैं आप, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन ग्रीन सा लुक आता है ना, वो बहुत ग्रीन हो जाता है। 14 अगस्त मनाते हैं इंशाल्लाह, जब 14 अगस्त का आई तो फिर वो बनाएंगे। अच्छा 14 अगस्त का है मैं आपको बताऊंगी, अभी तो कौन सा महीना चल रहे हैं, अभी तो नेक्स्ट ईयर है। अरे मैं अभी सरप्राइज क्यों डिस्क्लोज करूं भाई, 14 अगस्त को आपको नहीं पता धमाका होगा, धमाका आपकी सोच है, इतना बड़ा इवेंट होगा कि लोग बोलेंगे वाकई में 14 अगस्त वीनस टीवी पर गुड मॉर्निंग में सभी ने मनाया है। आप देखिएगा हजारों की तादाद में जितने यूथ वहां पर मौजूद होगी ना, किसी भी कोई आके बताए वो मॉर्निंग शो कौन करता है, मैं खुदा की कसम ऐसे जबरदस्त होगा, मैं अपनी यूथ को कभी नहीं भूलती, टैलेंटेड बच्चों को नहीं भूलती। वो हाथ से गिर जाते हैं भाई, हम अपने घरों में से भी हो जाता है, लेकिन सफाई ऑब्वियसली वेरी नेसेसरी। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अपने घर को बिल्कुल हनी और डालना है, मेरे को काफी था बस। नहीं फिर जब ये ठंडा होगा ना तो इसमें ये है कि अगर ठंडा होने लग जाए ना और ये जमेगा, क्योंकि इसमें चीज डली हुई है तो जब ये जमे आपको वापस गरम करना है ऑब्वियसली, अब ये होता है तो फिर आप उसको वापस में दूध डालें, दूध नहीं हो रहा था दूध या आधा दूध और आधा पानी डाल के इसको मिक्स करें। अच्छा अब कितना इसको बस ये हो गया, ओके अब इसको हम डिश आउट करेंगे, डिश आउट कर लेंगे, आपकी डिश रेडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब किसी को चीज आपको नेक्स्ट ये सी से होगा ये एक्चुअली वो ये हां नो नो शू ये लीजिए आप बिस्मिल्लाह करके आपने बनाई है ऑफ कोर्स आप ही निकालिएगा। दैट्स गुड ये हो गई, मैं इसकी जगह बना लेती हूँ ताकि इससे हम पूरा प्रेजेंटेबल बना दें, बस ये रहने और ये रहने दीजिए, ओके शुक्रिया। देखिए मैं आपकी कितनी मुझे ज्यादा दीजिएगा, मैंने आपकी बहुत हेल्प की है जी।
लाइव शो में मैं इतनी कसम खुदा के लोगों को एंटरटेन करती हूँ, लोग बाद में बोलेंगे सभी खुद ही कुकिंग कर लिया करो, क्या जरूरत है। हा? जी कुकिंग करना बहुत इजी है, बहुत से लोग उसको कहते हैं यार आप कुकिंग करनी है जी, बहुत अच्छी बात की आपने। फिर उनको होता है कि यार आप कुकिंग करनी है, कुकिंग बहुत इजी है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप चिकन की डिश बना रहे हैं तो उसमें आपको आधा घंटा लगता है, या जो है अगर आप बीफ ले रहे हैं तो उसमें 2 घंटे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ठीक है। और कुछ वुमेन्स को मैंने सुना है कि यार हमसे तो नहीं होता, हम खाना बड़ा मुश्किल काम है ये, कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई जब आप अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हो तो उनको इसको फ्राइपैन को थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकाल ले। अच्छा अब क्या है इसको मुझे ये बताइएगा, इसमें क्या आपने, इसमें हम गार्निशेस करेंगे। ठीक है अब आ जाओ सर, अब बताओ इनके ऊपर ये सबसे पहले क्या डालेगा। ये पार्मेजान है, पार्मेजान चीज जो होती है, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप फ्रेश ले लें और वो डाल दें, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे अभी फ्रेश मिलती नहीं है तो ये बॉटल वाली है, ये हमने थोड़ी सी पार्मेजान डाल दी। ये हमारे पास जो है वो ड्राइड बेजल है, ये हम ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश बेजल है तो आप ये भी कर सकते हैं कि पास्ता में आप वो भी जो है ब्लांच करके, जैसे हमने पालक डाली थी, अच्छा वो भी डाल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये हमारे पास आ गई पेपरिका, ये पेपरिका है, ये जैसे हम कश्मीरी लाल मिर्च भी बोलते हैं, ये समझो उसकी बहन है, हल्की मिर्च है बहुत, इसका कोई इतना फ्लेवर। अच्छा अब इसके अंदर वो मजीद, ये तो चलो आपकी डिश होगी रेडी। ठीक है गुड़िया, अब मुझे बताएं कि अगर हम इस पास्ता में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जैसे लाइक ग्रीन शिमला मिर्च है, या इसमें शिमला मिर्च ऐड नहीं हो सकती, इसमें आप हर्ब्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ड्राई पार्सले ऐड कर लिया। अच्छा आपने, आपको फ्रेश बेजल मिल गई तो वो आपने ऐड कर ली, बेबी स्पेनिच आजकल जो है वो आपने ऐड कर ली, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा। इसमें लहसुन जा रहा है जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं आप उसमें फ्लेवर उसमें कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं छोटी सी यहाँ पर फ्यू सेकंड की ब्रेक लेना चाहूंगी शहजाद भाई, बहुत प्यारी डिश बनाई है विनय शर्मा, शेफ विनय शर्मा हमारी दरमियान मौजूद थी और डिश बनाई है जिसका नाम है स्पिनच चिकन पास्ता, स्पिनच चिकन पास्ता। और यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। ओके गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और सेगमेंट है बहुत ही हसीन, और मैं ये कहना चाहती हूँ हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहती है। जबरदस्त, हमारे मैं एक बात कहूंगी कि हमारे बहुत ही लेजेंड शायर बहुत सारे गुजरे, मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज, अलामा इकबाल और अल्ताफ हुसैन हाली, मैं बहुत सारे मीर तकी मीर, बहुत सारे शायर उनके नाम में भी जो है अभी वसी शाह और परवीन शाह, उनके तो मैं क्या बात कहूँ, बहुत सारे ऐसे शायर, शायद मैं अभी भी बहुत सारे मिस कर रही हूँ कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसे शायर जिनका शायद मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा हूँ, कि लाइफ शो है कुछ याद रहता है कुछ नहीं याद रहता, कुछ याद रखने को दिल करता है कुछ भूल जाने को, ये मेरे जहन की जो है कसर नफसी का काम है, मैं क्या करूँ मेरे इख्तियार में नहीं, क्योंकि मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। तो ये बातें जो है ये सिर्फ वो ही कर सकता है जिसको लफ्जों का चुनाव आता हो, और ये भी इंतखाब मेरे रब का है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल को चीर देते हैं, दिल में उतर जाते हैं, कुछ लोग इतने हसीन हैं जो वो लफ्ज अदा करते हैं तो वो शायरी का एक हिस्सा बन जाते हैं, वो गजल का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये चुनाव सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो बेहतरीन शायर है। तो मैं एक दो इवेंट ऐसे अटेंड किए, यकीन करें वाह वाह करने को दिल करता है और बस कानों में वो आवाजें बस खोलने लगती है जब हम इस तरह की जो मैं चाहूंगी कि उर्दू अदब को अगर इख्तियार करना है तो शायरी के अंदर आपको अपना एक कदम रखना पड़ेगा। हम लोग अभी भी उर्दू अदब से बहुत दूर हो गए, जब उर्दू अदब का नाम आता है तो हमारी शायरी का जो है नाम आता है। मैं इस वक्त इतनी हसीन शख्सियत के दरमियान मौजूद हूँ, आज मेरा प्रोग्राम थोड़ा सेगमेंट चेंज है और आप देख रहे होंगे गुड मॉर्निंग में सभी डिफरेंट सेगमेंट्स आप देखते हैं, लेकिन आज बहुत प्यारी राइटर एंड शायरा
सबीम सफी सैफी मौजूद है, सबीम सैफी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपके हुस्न से मैं जो हो गया ना वो हो गया, मुझे लगता है फैज अहमद, मैंने सुना है जो अहमद फराज साहब ने जो कहा है वो क्या कहा, मैं अब इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ, बताइए जरा क्या कहा। सुना है लोग उसे ऐसा है कि नहीं? ये ऐसा नहीं, मुझे ये कि मेरी प्यारी बहन के बाल भी बहुत हसीन है, आंखें बहुत हसीन है, दिल बहुत हसीन है, लफ्ज बहुत हसीन है, बोलने का अंदाज बहुत हसीन है, सारी सारी उम्र जवान रहना है क्या? ये आपकी इंटरनल ब्यूटी होती है और जो मासूमियत होती है वो आपके चेहरे पे आती है। अभी भी लोग यही समझते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे हैं। तो मैं कहती हूँ कि इसलिए कि मैंने अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको बहुत पॉजिटिव रखा हुआ है। जब आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं हर एक के लिए, तो अल्लाह ताला खुद आपके साथ होता है और वो आपको वो चीज़ देता है जो किसी को नहीं मिली होती, अगर और वो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आपने बहुत शुक्रिया। और ये पॉजिटिविटी यकीन करें मैं हर लम्हा यही कहती रहती हूँ, अगर आपने जिंदगी भर अल्लाह ने जितनी जिंदगी मुकर्रर की है ना, तो अगर आपने सदा जवान रहना है अंदर से बाहर से बिल्कुल, तो पॉजिटिव रहे। जो दुनिया चल रही है सोचिए ये चलता रहेगा, ये अजल से, लेकिन आप अपने आप को क्यों उनके चक्रों में नेगेटिव करते हैं। चले हम तो करें शायरी की बात और एक खूबसूरत सी मचारी स्टार्ट हो जाए तो लोग भी कहें कितनी तारीफ है जिस शख्सियत की है। अच्छा मेरी इतनी उर्दू अच्छी नहीं है सभी, बहुत बहुत अच्छी है माशाल्लाह, गुड़िया की तरह आप गुड़िया अच्छा सभी मैं चाहूंगी कि अब आप एक अच्छा सा कुछ शेर या जो कलाम आपको बेहतर लगता है वो आप सुनाए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, सभी का, अर्श का और इस चैनल का, वीनस चैनल का, जिन्होंने मुझको ये मौका फराहम किया कि मैं आऊं और आप लोगों से बात करूं और आप लोगों से, आप लोगों के जरिए अपने कारीन से, अपने देखने वालों से बात कर सकूं, उनको बहुत सारी चीजें बता सकूं, सुना सकूं जो वो मेरे बारे में नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पे यही ज्यादातर होता है कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो शायरा है ये क्या पहनती है, क्या चीज अच्छी लगती है, तो कौन सा रंग पसंद है। तो मैं आज हम शायरी भी करेंगे और थोड़ा बहुत अपने मोहब्बत करने वालों को कुछ बताऊंगी भी। अच्छा, अपने बारे में। आप लोग जो शायर लोग होते हैं वो इतनी डीपली अक्कासी करते हैं, चाहे चेहरे की हो, चाहे फीलिंग्स की हो, चाहे परेशानी की हो, कहाँ से घुमा के वो अल्फाज लाके रखते हैं ना, यकीन करे दिल में ऐसे उतरते हैं कि मैं उनकी बोला हम वाह वाह करते हुए जो है ना मजबूर हो जाते वाह वाह कहने पर। ऐसा है असल में शायरी खुदादाद सलाहियत है, कोई शायर बन नहीं सकता, शायर पैदा होता है और जो की जाए। अच्छा मैंने यहाँ पे ये किया है कि जो की जाए वो शायरी नहीं, जो हो जाए, क्योंकि तकलीफ है ना, तकलीफ तो होती है, उसको कुछ भी आप कर ले, अगर एक बच्चा पैदा नहीं होना दुनिया की पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले वो नहीं होता, इतना शायरी हो जाए वो शायरी है। इसीलिए आज आप लोगों के दरमियान, आप लोगों की मोहब्बतों के दरमियान बैठी हूँ और ये मेरी जीत है कि मुझे कोई कुछ माने ना माने, लेकिन मुझे ये माना जाता है कि ये मोहब्बत की बनी हुई लड़की है इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं। चले जी हम स्टार्ट। ये बिल्कुल एक नई गजल है और एक अजीब सी कैफियत में लिखी गई, मोहब्बत की कैफियत में लिखी गई कि हम जैसे लोगों को भी मोहब्बत करने का हक है। बारह दिल टूटा जिंदगी के साथ आपको पता है चलना पड़ता है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ कैफियत की गजल है जो आज मैं आपके प्रोग्राम में शेयर कर रही हूँ और आपको अच्छी लगेगी कि क्या अजब है ये मोजा मुर्शिद, क्या अजब है ये, क्या अजब है ये मोजा मुर्शिद, मुझको भी इश्क हो गया मुर्शिद। अरे वाह, क्या जब है ये मौजा मुर्शिद, मुझको भी इश्क हो गया मुर्शिद, जो न सोचा था ख्वाब में भी कभी, जो ना सोचा था ख्वाब में भी की मैं भी कभी, जाने वो किस तरह हुआ मुर्शिद। और एक शेर सुनेगा कि तुमने ये अपने इश्क के नाम कि तुमने देखा नहीं अगर उसको, तुमने देखा नहीं अगर उसको, तुमने देखा नहीं खुदा मुर्शिद, तुमने देखा नहीं अगर उसको, तुमने देखा नहीं खुदा मुर्शिद,
और कोई तहलील हो गया मुझमें, कोई तहलील हो गया मुझमें, कुछ में हो गई जुदा मुझे। अरे वाह, कोई तहलील हो गया मुझमें, कुछ में हो गई जुदा मुझसे, और एक सजदा जो फर्ज था हम पर, एक सजदा जो फर्ज था हम पर, हमसे वो हो गया कजा मुझसे। एक सजदा जो फर्ज था हम पर, हमसे वो हो गया हमसे वो कजा मुर्शिद, और एक शेर तुझको तो खैर मिल गई हूँ मैं, तुझको तो खैर मिल गई हूँ मैं, मुझको कोई नहीं मिला मुर्शिद, तुझको तो खैर मिल गई हूँ मैं, कोई नहीं मिला मुर्शिद। और एक शेर आप सुनिएगा जो मेरा मुस्तकिल मौजूद है, कि जिसमें औरत को छत मयसर हो, और जिसमें औरत को छत मयसर हो, एक ऐसा तो घर दिखा मुर्शिद,